अवधेश और विजय तिलक की मन और तैयारियों को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं गंगा के तट पर। उस शहर में हम पहुंचे हैं जिसके बारे में कहा जाता है काशिते प्रकाशिते इति काशी, यानी कि जो निरंतर प्रकाशित है वही काशी है। फिर चाहे वो प्रकाश महादेव के आशीर्वाद का हो, चाहे वो प्रकाश माँ गंगा के स्नान का हो, चाहे वो प्रकाश राजनीति का हो, चाहे वो प्रकाश साहित्य का हो या कला का हो, लेकिन इस प्रकाश का असर बनारस के लोगों पर कितना पड़ रहा है, उस प्रकाश का असर यहाँ के जनमत पर कितना पड़ रहा है, यही जानने के लिए हम वाराणसी में आए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, जनता भी है, लेकिन सबसे पहले आपका जनता से तारुफ करवाएंगे, लेकिन मेहमानों से हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं देवानंद सिंह जी, हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनकर जी हैं समाजवादी पार्टी से, मयंक चौबे जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और बसपा से हैं विष्णु दयाल जी। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप लोगों का भी स्वागत है कि आप इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। तो सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं सत्ता पक्ष से। देवानंद जी, वाराणसी बीते कुछ वर्षों में सबसे बड़ा केंद्र है चर्चा का, चाहे देश की बात करें दुनिया की बात करें, क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए अवधेश जी, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा होगा, वेस्टर्न यूपी के चुनाव में से लेके अब तक के जितने पांच चरण के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि अभी पांच चरणों के चुनाव में ही एनालिसिस आ रही है और जो सर्वे आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी 190 से 200 सीटें पा रही हैं पांच चरणों के चुनाव में। और जहां तक वाराणसी और पूर्वांचल की बात है तो वाराणसी में आप जानते हैं कि वाराणसी राष्ट्रवादियों का गढ़ रहा है, आज से नहीं राष्ट्रवाद के प्रतिपादन में अगर हिंदुस्तान में किसी ने भूमिका निभाई है तो सबसे ज्यादा काशी ने, वाराणसी ने निर्णायक भूमिका बनारस की रही है राष्ट्रवाद के प्रतिपादन में देश में। और आप जानते हैं कि जिस तरह की चुनौतियां देश के सामने रही हैं, काशी जानते हैं शिक्षा की राजधानी है, तमाम चुनौतियां उस पर बात करेंगे। ये बोल रहे हैं 190, आपके मुखिया ने कहा कि दो चरणों में 100 पार कर गए थे, तो क्या हो रहा है काशी में, क्या स्थिति है? देखिए काशी से पहले आपने पांच चरणों की बात की, अगर पांच चरणों में इनके हालात सही रहते तो इनके प्रत्याशी निर्वाचन आयोग को लेटर लिख करके पुनः मतदान की अपील नहीं करते, सबसे पहले तो ये बता दूं। और बात रही काशी की, तो काशी आध्यात्म की नगरी है और ये वो नगरी है जहाँ की परंपरा का न कोई छोर है ना कोई अंत है, ठीक है। और बात रही उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव है, अगर आध्यात्म के पीछे ही इनको चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है कि सरकार को छोड़ करके मठ में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकारें आम जनता के हित के लिए चुनी जाती हैं, चुनावी मुद्दे में जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं, नौजवानों की ज़रूरतें हैं, महिलाओं की ज़रूरतें हैं, वो किस सरकार के चीजों की मुद्दे पर है ये बात करें, ठीक है। और बनारस की बात है तो बनारस सातवें चरण का चुनाव है और सातवें चरण का चुनाव ये बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो प्रचंड बहुमत से आ रही है, ठीक है। सातवें आसमान पर कौन पहुंचेगा जाएंगे, लेकिन मयंक जी क्या स्थिति है कांग्रेस की वाराणसी में? बनारस की आठों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस नंबर एक की लड़ाई लड़ रही है, हमारी लड़ाई सीधे जो है मोदी जी के खिलाफ है। और हम पिछली बार भी हम लोगों ने हर सीटों पर चुनाव लड़ा था, इधर भाजपा ने एक गलती, लेकिन बीजेपी तो कहती है एक नंबर की नहीं एक सीट बचाने की लड़ाई है, ये बीजेपी की अपनी मानसिकता है, सभी दगे कारतूसों पर उन्होंने खेल दिया है। जिस तरह से पार्टी छोड़ के लोग जा रहे थे, ये सारे के सारे लोग दूसरे दलों संपर्क में आ चुके थे, मजबूरन इन लोगों को हार के लिए पार्टी को बचाने के लिए मोदी जी का सम्मान बचाने के लिए इन लोगों को सबको टिकट रिपीट करना पड़ा। और सच्चाई ये है, जनता जान रही है कि आठों विधायक पूरे कोरोना काल में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, हम लोगों को 9-9 दिन जेल रखा गया है उसी कोविड काल के दौरान, तो ये जनता एकदम देख रही है, जनता इंतजार कर, जनता देख रही है। विष्णु दयाल जी आपसे भी कमेंट ले लेते हैं, बीएसपी की क्या स्थिति है, कौन सी चाल चल रहा है हाथी यहाँ पर? बीएसपी पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और अभी आप माननीय हमारे भाई साहब से बात किए, उन्होंने बताया कि काशी में हम बहुत मजबूती से, काशी की स्थिति इतनी खराब है कि हर गली से इनको बात सुनना पड़ रहा है, आज प्रधानमंत्री को आकर के यहाँ डेरा डालना पड़ रहा है, इतनी स्थिति खराब है काशी की, पूरे प्रदेश से इनका पत्ता साफ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर आपकी मुखिया नहीं निकलती तो सब निकलना बंद कर देगा? हमारी मुखिया निश्चित तौर पर निकलती है, आप दिखाते नहीं है, अगर आप दिखा दे तो इस प्रदेश में तहलका मच जाएगा। जब कोई नहीं चल रहा था उस समय हमारे यहाँ सेक्टर और बूथ का गठन हो रहा था, हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता के बल पे सरकार बनाते हैं और इस बार निश्चित तौर पे कार्यकर्ता के बल पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसका सीधा ज्यादा जीता जागता उदाहरण है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तारीफ किया, अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको।